राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आज मैं आपके लिए 24 तारीख शनिवार को गुरु पूर्णिमा है, इस पर आपको क्या विशेष करना चाहिए जिससे आपकी गुरु की आपको कृपा मिले, नारायण की कृपा मिले, माता माँ लक्ष्मी की कृपा मिले, आपका चंद्रमा अच्छा हो और साथ में आपको भोलेनाथ की कृपा मिले। इसके साथ ही अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। कमेंट सेक्शन से जो क्वेश्चन लिया है वो कौन भाग्यशाली है, उसे जानने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। दोस्तों, मैं आपके लिए ज्योतिष पे आधारित आपको प्रयोग देती हूँ जो आपको आपके भाग्य का साथ दिलाते हैं, चाहे वो अमृत की बूंद और जादुई अक्षर हो या इसके अलावा जो भी मैं आपको डेली पहले जो आपको प्रयोग देती हूँ, चाहे वो आपको धन से संबंधित दे रही हूँ, आपकी समस्याओं से संबंधित देती हूँ, सभी कुछ ज्योतिष पर आधारित है। कोई भी हवा की बातें नहीं है, ये ज्योतिष शास्त्र की तथ्य हैं जिनके आधार पर मैं आपको प्रयोग देती हूँ। ये पुराणों में वर्णित भी हैं प्रयोग, और ये कपोल कल्पित नहीं है। इन्हें आप करके पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ में ये आपको पॉजिटिव बनाते हैं, क्योंकि जब भी हमारे अंदर एक नेगेटिविटी अधिक होती है तो हमारा कोई भी कार्य नहीं बनता है। लाख प्रयत्न के बावजूद हमारे सारे कार्य विफल होते जाते हैं, और जब यही हम पॉजिटिव होते चले जाते हैं हमारे कार्य बनने लगते हैं, और हम खुद हैरान रह जाते हैं कि छोटे छोटे से प्रयोग ही हमारे लिए भाग्य का साथ दिलाने लगते हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियोस देखना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लें। आप मुझसे कुछ भी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। मैं संडे आपके लिए कोशिश करूंगी लाइव आने की, 5 बजे शाम 5 बजे मैं आपके लिए लाइव आने की कोशिश करूंगी संडे वाले दिन, और मैं आपको उन सभी क्वेश्चनों के आपको वहां पर आपको उत्तर दूंगी। तो दोस्तों, आपके जो भी सवाल हैं आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, पूर्णिमा जो कि पूर्ण तिथि होती है, इस दिन चंद्रमा पूरा होता है, पूरा चंद्रमा आपके भाग्य का कारक बनता है। आपकी कुंडली में जब भी चंद्रमा बली होता है, आपको धन वैभव ऐश्वर्य माता मां लक्ष्मी की कृपा नारायण की कृपा आपके भाग्य को जागृत कर देता है। लग्न में चंद्रमा आपको सुंदर बनाता है, इसके साथ ही आपको हर तरफ से भाग्य का साथ दिलाता है, आपको भाग्यवान बनाता है। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को बलि किया जाता है, भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भोलेनाथ की आराधना की जाती है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा ये आषाढ़ी पूर्णिमा है, तो ये गुरु पूर्णिमा है। इस दिन आपको अपने गुरु जो भी आपने बना रखे हैं उनको आपको विशेष रूप से आप उनकी वंदन करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें कुछ भी दान दक्षिणा दें, पीले वस्त्र दें, पीली मिठाई दें, कुछ फल फूल इत्यादि और दक्षिणा रख कर दें। अगर आपने कोई गुरु नहीं बना रखा है, आपने पुराणों में भी वर्णित है, आपने ये दोहे भी सुन रखे हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुमै नमो नमः, या गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाए, यानी बिना गुरु के आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु एक वो हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं जो हमें सही पथ दिखाते हैं, ईश्वर से मिलाने का कार्य करते हैं। आज के परिवेश में ईश्वर से मिलाने का तात्पर्य ये नहीं है, सबसे पहले तो बच्चे की माँ ही उसकी सबसे बड़ी गुरु होती है। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन आप अपने माता पिता को सम्मान दें, उनको आदर दें। आपने जो भी गुरु बना रखे हैं जीवन में, एक गुरु जरूर बनाना चाहिए आपको। अगर आपने बना रखे हैं तो उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करें। आप अगर उनके पास आपसे मिलना पॉसिबल हो तो आप उनके पास जाएं, उनके चरण स्पर्श करें, उन्हें पीली वस्तुएं अर्पित करें, मिठाई हैं, फल हैं, वस्त्र हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लें, उनसे गुरु मंत्र जरूर लें। गुरु दीक्षा इसीलिए ली जाती है, गुरु मंत्र हमारे लिए जीवन भर हमारी हर समस्याओं को काट करता है। अब आपने गुरु नहीं बनाए हैं तो आप अपने ईष्ट को भी अपना गुरु मान सकते हैं। अपने ईष्ट को भी आप पूर्णिमा वाले दिन संकल्प के द्वारा कि आप उनको अपना गुरु बनाने जा रहे हैं, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और फिर उस गुरु मंत्र को जो भी ईष्ट आप बना रहे हैं उनके मंत्र का आपको डेली एक माला जाप करना होता है। अगर आपने ये भी नहीं बनाए हुए हैं तो आप अपने किसी भी अपने टीचर को बना सकते हैं, किसी अपने अध्यापक को, या अपने से बड़ा कोई व्यक्ति जिसके की ज्ञान से आप प्रभावित होते रहते हैं, जिसे आपको सुनना अच्छा लगता है, आप उनको उन जैसा बनना चाहते हैं उन्हें भी आप गुरु बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कोई पंडित ब्राह्मण ही हो, कोई आपके बड़े आदरणीय व्यक्ति हो सकते हैं, कोई आपका
यूट्यूब चैनल का भी कोई आपका ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका चैनल आप देखना पसंद करते हो, आपको अच्छी लगती हैं उनकी बातें, आप उनको भी अपना गुरु बना सकते हैं। कमेंट में जाकर उनको धन्यवाद लिख दीजिए, उनको अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर दीजिए और उनके जो वो आपको सलाह देते हैं उनको मानना शुरू कर दीजिए, तब भी आपको अपने जीवन में आपको गुरु की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, गुरु पूर्णिमा पर नारायण भगवान की आराधना की जाती है। सबसे पहले तो आपको 24 तारीख शनिवार की गुरु पूर्णिमा है, वैसे तो ये शुक्रवार को लग गई है सुबह 10 बजे से, क्योंकि उदयातिथि को अधिक महत्व दिया जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो आप शुक्रवार को, आपको मेरा वीडियोज मिला है, तो शुक्रवार की रात को आप चंद्रमा को जल अर्पित करें और चंद्रमा की आराधना करें। चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र के 108 की माला करें, चंद्रमा के सामने खड़े होकर फिर अपनी मनोकामना बोलें वहां पर, और जो भी आपने उनको अर्पित किया है दूध में सिर्फ जल अर्पित कीजिए। एक चांदी का सिक्का अपने हाथ में रखिए, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करने के बाद इस चांदी के सिक्के को अपने धन स्थान पर रख दीजिए। अब मान लीजिए आपको शनिवार को आपको पूर्णिमा तिथि का आपको प्रयोग करना है, आप नहाने के जल में पहले आप अपनी बाल्टी खाली रखिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसके बाद उसको सादा जल से भरकर इस पानी से स्नान कीजिए। पूर्णिमा तिथि पर गंगा जल से स्नान करने पर आपके समस्त पापों का शमन हो जाता है, आपको पापों से मुक्ति मिलती है, गंगा आपके पापों को धो देती है। अगर मान लीजिए आपके पास गंगा जल नहीं है, किसी पवित्र नदी का जल है तो इस तरह से डाल लीजिए, मान लीजिए वो भी नहीं है आपके पास तो आप अपनी उंगली को इस तरह से कीजिए, इस तरह से माता गंगा का ध्यान करते हुए, हे माता गंगा मैं आपको स्वर्ग से अपने इस जल में आपको आमंत्रित करता हूँ, मेरे इस जल में आप प्रवाहित हो जाइए और मुझे गंगा जल का सुख प्रदान कीजिए, और फिर उस जल को गंगा जल समझकर आप स्नान कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको नारायण भगवान की यानी कि विष्णु भगवान की आपको पंचामृत से आपको उनका अभिषेक कर सकते हैं। आपके पास शालिग्राम है तो शालिग्राम का अभिषेक कीजिए, नहीं है तो उन्हें पंचामृत का भोग अर्पित कीजिए, तुलसीदास जरूर अर्पित कीजिए, भोलेनाथ को भी अगर आपने अपने घर में स्थापित किया है तो सादा जल और पंचामृत से उनको अर्पित कीजिए, अभिषेक कीजिए, नहीं तो आप किसी पास के मंदिर में जा सकते हैं तो वहां भी आप जल अर्पित कीजिए, साथ में पंचामृत से उनका अभिषेक कीजिए, नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हैं। माता माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी आप जाप कीजिए, माता माँ लक्ष्मी विष्णु प्रिया हैं तो विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ में आप माता माँ लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं तो आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। इसके साथ ही आपको अगर विष्णु माता माँ लक्ष्मी का आपको गायत्री मंत्र आता है तो आप उसका भी जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इसकी भी आप एक माला कर सकते हैं, ये आपको इजीली मिल जाते हैं। आप चाहे तो नेट से गूगल से भी आप डाउनलोड करके इस मंत्र को आप सुन भी सकते हैं, मान लीजिए आपको नहीं जाप की विधि पता है तो आप सुन भी सकते हैं। आप इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी कह सकते हैं, सुन सकते हैं। आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप इसको गूगल से निकाल लीजिए और वहां पर बैठकर आप पढ़ लीजिए। इसके लिए आप अपने परिवार को इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ा सा पंचामृत बनाइए, पंचामृत आप लोग जानते ही होंगे, दूध दही घी शहद और शक्कर, ये चीज़ें मिक्स करके रख लीजिए, इसमें तुलसी दल डाल लीजिए, इसका भोग बनाइए, साथ में पंजीरी जिसको हम आटा कहते हैं, आटे में घी डालकर उसको भून लीजिए और उसमें बूरा मिला लीजिए या शक्कर मिलाकर इसका प्रसाद बना के रख लीजिए, केले रख लीजिए और सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य कीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा करने से आपके जीवन में जो भी समस्त दुख तकलीफें हैं वो दूर हो जाते हैं और आपको आपके जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि चंद्रमा धन और मन दोनों का कारक है। तो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आपको पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की भी आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शनिवार है, शाम को पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी तो आप शाम के समय चंद्रमा के मंत्र का ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का अपने घर के मंदिर में बैठकर ही आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप दोस्तों पूर्णिमा तिथि पर आपको पीपल के पेड़ की भी आराधना अवश्य करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की आराधना आपको सुबह 9 बजे से पहले पहले करनी है, 8:30-9 से पहले ही पहले करनी है। अगर आप कर रहे हैं, हर माह पूर्णिमा पड़ती है, आप इसी विधि से आप पूर्णिमा पर अगर आप पूजा विधि करते हैं, यानी साल में 12 पूर्णिमा पड़ती है और आप इस विधि से करते हैं तो आपके घर में धन धान की वृद्धि होने लगती है, जीवन के सारे कष्ट आपके मिटते जाते हैं। तो आपको पीपल की जड़ में थोड़ा सा दूध मिश्रित जल, उसके अंदर थोड़ा चीनी के दाने डालिए, ये ले जाइए, एक घी का दीपक ले जाइए, धूप बत्ती ले जाइए और पीपल की जड़ में आप जल छोड़ते हुए माता माँ लक्ष्मी के मंत्रों का या नारायण भगवान के मंत्रों का आप जाप करिए, वहाँ पर घी का दीपक जलाइए और पीपल देवता से प्रार्थना कीजिए अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, हे पीपल देव मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मुझे इस पूर्णिमा तिथि पर
सुफल मिले ऐसी मेरे मनोकामना को पूर्ण कीजिए। उसकी आप परिक्रमा कीजिए, 7 परिक्रमा कीजिए पीपल की। इसके अलावा दोस्तों एक और प्रयोग मैं आपको देती हूँ जो आपके कर्म बंधनों को काटता है, यानी कि आपके द्वारा जाने अनजाने में जो पाप कर्म हो रहे हैं उन्हें क्षय करता जाता है, आपके धन के मार्ग खुलता जाता है, आपको कैसी भी दुख तकलीफ हो संकट हो सबको काटता जाता है। उसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा उसमें चीनी और उसमें थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, सफ़ेद काले तिल मिक्स कर लीजिए। चाहे तो इसे गोले के अंदर भर सकते हो, चाहे तो इसको एक पॉलीथिन में रख लीजिए या कागज़ में बांध लीजिए। इसकी पुड़िया बनाइए, किसी भी पेड़ के पास इस थोड़ा सा गड्ढा करिए, इस पुड़िया को वहाँ दबा दीजिए और अपनी मनोकामना मांगते हुए जो भी आपकी मनोकामना है चींटियों के लिए भोजन रखिए। जब ये चींटियाँ इस भोजन को खाएंगी, क्योंकि चींटियाँ खुद विष्णु स्वरूपा होती हैं, काले रंग की चींटियाँ विष्णु स्वरूपा होती हैं, ये आपके केतु होती हैं, जो आपके केतु को प्रबल करती हैं और केतु आपके अचानक धन के मार्ग खुलता है। तो चाहे तो आप हर पूर्णिमा तिथि पर ये कार्य कर सकते हैं। आप जब जब ये चींटियाँ इस भोजन को खाना शुरू करेंगी आपके जीवन में भी उसी तरह से धन समृद्धि आना शुरू हो जाए। दोस्तों आई होप आपको ये मेरे प्रयोग अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादू अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित हैं, प्रतिदिन की गृह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग यानी बच्चे महिला पुरुष बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी है। मात्र एक एक मिनट के प्रयोग है जिसमें ना तो समय ही लगता है ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं आपका भाग्य का साथ मिलता है, मन शांत रहने लगता है, मानसिक तनावों से मुक्ति मिलती है, आपकी सोच पॉजिटिव होती है, आपको बीमारियों से राहत मिलती है, आपके शरीर से बीमारियां धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। स्वयं करें यानी खुद करें और परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो आपके घर का वातावरण भी सुखद होने लगता है, बच्चे आपकी बात मानने लगते हैं, मन में भी शांति का अनुभव होने लगता है, भाग्य का साथ मिलने लगता है। 24 जुलाई 2021 दिन शनिवार, आज का राहु काल है सुबह 9:02 से 10:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। पीपल की जड़ में अगर आप पानी चढ़ाने जा रहे हैं पूर्णिमा तिथि तक तो 9 से पहले इस प्रयोग को कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:00 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। विशेष रूप से आज विष्णु भगवान की पूजा आराधना आप इसी अभिजीत मुहूर्त में कीजिए। आज के अमृत की बूंद में आपको 5 दाने काली मिर्ची के, 1 इंची का टुकड़ा दालचीनी का और साथ में इसमें छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा, इसका आपको खाली पेट सेवन करना है। इसका सेवन करने से आप शनिदेव की, मंगल की, सूर्य की, सभी की आपको इन 3 ग्रहों की आपको कृपा प्राप्त होगी, आपके भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आज का जादुई अक्षर है ल, लक्ष्मी वाला ल। इस ला शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे भूल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटे सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप प्लीज इसे नाली में ना बहाएं। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका ला ही होना चाहिए। दोस्तों आज मैं आपके लिए, जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो भी करेंगे, और अन्य कोई भी व्यक्ति अगर इस लकी अंक को लिखना चाहता है तो जरूर लिखकर अपने पास रखें। इनको साल भर रखना है जिनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, और जो डेली व्यक्ति लिखना चाहता है वो इनको जैसे वो जादुई अक्षर लिख रहा उस तरह से अपने पास लिख कर रख ले, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दे। ये लकी अंक उनके साथ काम करेगा 1 दिन के लिए, बाकी के लिए 1 दिन काम करेगा, और जिनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए वर्ष भर काम करेगा। तो आज का जो लकी अंक है वो है 24 यानी 24। 24 का अंक आप लिखकर रेड कलर के पेन से पर्स या पॉकेट में रख लें, जिनका बर्थडे है वो, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो, और अन्य कोई भी व्यक्ति इस 24 शब्द को रेड कलर के पेन से अपने पर्स में रख लें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है, आप इसको साल भर भी अपने पास रख सकते हैं, तो जरूर लिखकर रखिएगा। दोस्तों आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखें, अपनी समस्याएं जरूर लिखें। मैं जैसे आपको बता रही हूँ संडे में 5 लाइव आऊंगी, आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, आप भी आना ना भूलें मेरे चैनल पर। आप उससे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा
आप प्रोसीजर जान सकते हैं। आज जो मैंने कमेंट सेक्शन से क्वेश्चन लिया है दोस्तों, आप प्लीज़, मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, प्लीज़ क्वेश्चन पूरा लिखा करिए। आप आधी अधूरी क्वेश्चन लिखते हैं फिर आप, मैं उनको रेंडमली सेलेक्ट नहीं हो जाने की वजह से मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है। आज का क्वेश्चन है अभिषेक पांडे जी का, 12/1/1977, आनंद नगर, उत्तर प्रदेश। आपने लिखा है कि मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा है। जी अभिषेक जी, आपकी सिंह लग्न की कुंडली है और लग्नेश डिग्री वाइज कम होने की वजह से, और साथ में आपका चंद्रमा सेकंड भाव में बैठा है और शनि आपका 12वें घर में बैठा है, और शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी जो कि विष योग बना रही है आपकी कुंडली में, इसकी वजह से आपको मानसिक अशांति है। मानसिक अशांति है, इसके लिए आपको शिवलिंग की आराधना जरूर करनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा मानसिक डिप्रेशन झेल रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करा कर देख लीजिए। विशेष अपने उपाय लेना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ेगा। वैसे आप नियमित शिवलिंग की आराधना करना शुरू कर दीजिए तो बहुत हद तक आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वारीज है आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। देखिए मैं संडे को आऊँगी तो आपको उन क्वेश्चनों को जरूर लूँगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृति कुदर जाते।